फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने पास एक पोको X2 का मॉडल है जो कि डेड है। अब हम इसको लाइव रिपेयर करेंगे, तो फर्स्ट हम चेक करते हैं इसमें डीसी में कि क्या रीडिंग आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हो 150-160 तक जाके फिर वापस ज़ीरो हो गया। तभी हम इसको लाइव रिपेयर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस बोर्ड एकदम फ्रेश है, अभी किसी ने इसको छेड़ा नहीं। एकदम फ्रेश है। तो अभी हम इसका CPU रिवॉल्व करेंगे। आपको एक बेस्ट और इजी ट्रिक बताता हूँ इसका CPU कैसे बनाते हैं। बहुत आसानी से आप CPU इसका बना सकते हैं। बहुत सिंपल और इजी ट्रिक आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट अभी हम इसका ग्लू कट कर लेते हैं। अगर होता है तो आप इसको शील्ड निकाल सकते हैं या फिर हल्का सा इसको ऐसे कट भी कर ले सकते हैं ताकि थोड़ा गैप बना सकें।
ज़्यादा प्रेशर से इंसर्ट नहीं करना है, जब ऑटोमेटिक सीपीयू के नीचे का बॉल जब मेल्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये ऊपर उठ जाएगा। होने के बाद हल्का सा थोड़ा लेड इसके साथ मिला लेना। ताकि इसके टेम्परेचर को कम कर सके। जितना हो सकता आप इसको निकाल लेना।
एक बार आई स्कैन कर लेना, क्लियर से देखना कहीं पे कोई डस्ट वगैरह है या नहीं, अगर छोटा सा भी है तो उसको निकाल लेना। अगर आपको भी इसी तरीके का ट्रिक्स वगैरह सीखना है, कंप्लीट बेसिक टू एडवांस आपको नॉलेज चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद, जो कि अभी 27 से बैच स्टार्ट होने वाला है और दिल्ली का अक्टूबर 10 से स्टार्ट होने वाला है। तो हमारा बोर्ड साफ हो गया, अभी सीपीयू को साफ कर। इस सीपीयू साफ करने की आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको सीपीयू स्क्रैच भी ना हो और बहुत इजीली आपको साफ भी हो जाए, आपको डिसोल्डर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ग्लू रिमूवर वगैरह मार्केट्स में बहुत सारे मिलेंगे, बट ये जो ट्रिक है आप बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। को सिर्फ एक ट्रिक आना चाहिए, आप अपने आयरन से भी इसको सीपीयू को साफ कर सकते हैं बिना कोई स्क्रैच के। जैसे कि आप देख सकते हो सीपीयू एकदम कम्प्लीटली साफ हो चुका है। जैसे कि देख सकते हो बिना किसी सिंगल स्क्रैच के हम सिर्फ एक मिनट के अंदर पूरा सीपीयू को साफ कर लिया बिना किसी सिंगल स्क्रैच के। अभी हम इसको रिवॉल्विंग करते हैं। इसको अपन पीपीडी अप्लाई कर लिया।
तो जैसे कि देख सकते हैं अभी हमारा सीपीयू तो रिबल हो गया, अभी हम इसको अभी बोर्ड पे इंस्टॉल करेंगे। अभी हम इसको बोर्ड में इंस्टॉल करते हैं। बहुत ईजीली आपको इंस्टॉल हो जाएगा सीपीयू बिना किसी दिक्कत के। हल्का सा इसको एक बार ऐसा शेक किया, तो बोर्ड को थोड़ा कूल होने देते हैं। तो अभी इसको ऑन करके चेक कर लेंगे। जैसे कि देख सकते हैं फ़ोन हमारा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो आप भी ऐसा सीपीयू का कर सकते हैं, एक सीपीयू निकाल के इंस्टॉल करने में सिर्फ 15 से 20 मिनट का आपको इसमें लगेगा। बहुत इजी और सिंपल ट्रिक है। अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता है तो पूरा पूरा दिन निकल जाता है सीपीयू बनाने के लिए। अभी आप देख सकते हैं लाइव एकदम 15-20 मिनट्स में आप सीपीयू एकदम निकाल के बना सकते हैं। अगर आप ऐसे ही अगर ट्रिक्स सीखना चाहते हो तो ज्वाइन करें फ्रेम ट्रिक्स कॉन्फिक्स हैदराबाद को। आप आराम से दिन में 10 या 15 भी सीपीयू बना सकते हैं अगर आपको इसका ट्रिक के बारे में पता हो तो। जैसे कि देख सकते हैं हमारा फोन अभी ऑन हो रहा है, देखिए कम्प्लीटली ऑन हो गया अभी फ़ोन हमारा विदाउट एनी इश्यूज, टच वगैरह सब वर्किंग है। ठीक है, अभी आपको भी ऐसे ही मतलब ट्रिक्स जानना है और ऐसे ही सीपीयू रिवॉल्विंग का तरीका सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद और फोनफिक्स दिल्ली को, जो कि हमारा इस 27 को बैच स्टार्ट होने वाला है हैदराबाद में और दिल्ली में नेक्स्ट अक्टूबर 10 से बैच स्टार्ट होने वाला है। तो बुकिंग कर सकते हैं आप, आपको नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो थैंक यू।